इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MIUI 12 का जो सिक्योरिटी ऐप है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, और एक कौन कौन सा स्पेशल फीचर्स होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए इसका जो MIUI 12 का जो सिक्योरिटी ऐप है उसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट सेटअप में यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे यहाँ पे एमिनेशन के साथ आपका डिवाइस जो है ऑप्टिमाइज करने लग जाता है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं। उसके बाद बैक आ जाइए, उसके बाद यहाँ पे क्लीनर का ऑप्शन मिलता है, सिक्योरिटी ऐप, बैटरी एंड परफॉर्मेंस, बूस्ट एंड स्पीड, मैनेज, डीप क्लीन एक्सेट्रा। बैटरी एंड परफॉर्मेंस, यहाँ पे जैसे आप टैप करेंगे इसका आपको UI डिजाइन जो है आपको कुछ इस तरह सा मिल जाता है। यहाँ पे जैसे आप ऑप्टिमाइज में टैप करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा कि आपके डिवाइस में क्या क्या इशू है बैटरी रिलेटेड, तो डिवाइस जैसे डिटेक्ट करेगा उसके बाद आपको कुछ इस तरह सा ऐड करने के लिए बोला जाएगा, जिससे आपका बैटरी जो है ज़्यादा देरी चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी सर्वर, अल्ट्रा बैटरी सर्वर, तो ये सब जो ऑप्शन है इसके बारे में और एक वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलता है, जो स्पेशल फीचर्स है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दो स्पेशल फीचर्स मिल जाएगा। पहला देखिए, मान लीजिए कि अब आपने यूट्यूब ओपन किया है और यहाँ पे आप कोई भी वीडियो या सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं तो आप इसे बैकग्राउंड में भी सुन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे आप प्ले करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप स्वाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वीडियो टूल बॉक्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, कास्ट और साउंड विथ स्क्रीन ऑफ। तो यहाँ पे आप जैसे टैप करेंगे तो आपका जो YouTube का वीडियो है बैकग्राउंड में रन होते रहेगा, साथ ही साथ जो ऑडियो है वो भी आपको सुनने को मिलेगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउजर वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे WhatsApp, Telegram, Facebook, मैसेज और भी बहुत सारे ऑप्शन। तो फर्स्ट सेटअप में आपको क्या है कि YouTube में जो वीडियोस है ये देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, पहला यहाँ पे MI वीडियो प्लेयर और दूसरा जो है मैक्स वीडियो प्लेयर। तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट सेटअप में आपको MI वीडियो प्लेयर या मैक्स वीडियो प्लेयर आपको ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्लाइड करना है, फिर सेटिंग पर टैप करना है। सेटिंग में टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए मैनेज वीडियो एप्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका वीडियो एप्लीकेशन है उसे आपको चॉइस कर लेना है, जैसे कि फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे 3 सेलेक्ट करके रखा है, तो इस तरह से आपको टिक या अनटिक करके सेलेक्ट कर लेना है। और सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो है गेम में, मतलब कि कोई भी अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा गेम बूस्टर मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट में देखिए व्हाट्सअप दिया गया है, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद ब्राउज़र। तो व्हाट्सअप जैसे मैं टैप करूंगा ये तो ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, लेकिन फेसबुक अगर मैंने टैप किया तो फेसबुक जो है ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक जो है मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं फेसबुक में आता हूँ तो देखिए फेसबुक जो है इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा था। मैं फेसबुक लाइट को यूज़ करता हूँ, फेसबुक को यूज़ नहीं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और थोड़ा डाउनग्रेड कर लीजिएगा, इस तरह से यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्राउज़र, उसके बाद टेलीग्राम हो गया, मैसेज हो गया, नोट्स, फेसबुक एक्सेट्रा। तो फेसबुक लाइट में यूज़ करता हूँ इसीलिए ये ऑप्शन दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा साइड में, राइट साइड में देखिए सबसे पहले यहाँ पे बूस्ट मिलेगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर, उसके बाद यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो जो होता है वो भी आपको देखने को मिलता है, वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं, सिम को स्विच कर सकते हैं, उसके बाद कास्टिंग है, उसके बाद यहाँ पे लाइट स्क्रीन जो ऑफ करके भी आप गेम प्ले को रनिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ स्लाइड करेंगे तो सेटिंग का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो MIUI 12 का जो सिक्योरिटी ऐप होता है उसके रिलेटेड। तो आगे और भी MIUI 12 से रिलेटेड वीडियो आएंगे, तो अगर आप वो वीडियो देखने चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप भी चाहते कि MIUI 12 का जो सिक्योरिटी ऐप है उसे आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू।